बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी। मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले सेफ सिटी हेडलाइंस। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सेफ सिटीज अथॉरिटी के तरक्की पाने वाले 42 सीनियर कम्युनिकेशन अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। 39 अफसरान को सीनियर कम्युनिकेशन अफसरान और 3 अफसरान को बतौर पुलिस टेक्निकल अफसरान प्रमोट किया गया। तफसीलात बुलेटिन का हिस्सा। अस्पतालों से बच्चों के अगवा समय दीगर जराइम पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम। अस्पतालों के कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का आगाज हो गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों को अब सेफ सिटीज में मॉनिटर किया जाएगा। पूरी पुलिस फोर्स मेरी अपनी फैमिली है, इनका दुख दर्द भी मेरा अपना है। आजी पंजाब लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के अहलकारों के बच्चों को इलाज मुआवजे के लिए मजीद 11.5 लाख रुपए जारी कर दिए। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 46,636 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 2,924 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 35,793 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गईं। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 3,432 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,257 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। और सेफ सिटीज पुकार 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन पर कत्ल की झूठी इतला देने वाली खातून का बुरा अंजाम। मुल्जमा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में महकमाना प्रमोशन का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 42 सीनियर कम्युनिकेशन अफसरान और पुलिस टेक्निकल अफसरान को प्रमोशनल बैच लगाए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सेफ सिटीज अथॉरिटी के तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। आईजी पंजाब की हिदायत पर सेफ सिटी सर्विस स्ट्रक्चर के मुताबिक तरक्की के अहल अफसरान को प्रमोट किया गया। एडिशनल आईजी मोहम्मद कामरान खान, मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज मोहम्मद एहसन यूनस, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज और तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स के अहले खाना ने खसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की। न सिर्फ प्रमोट होंगे आप लोग टू द लेवल ऑफ एडी डीडी एडिशनल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स। ना सिर्फ ये होगा कि आप लोगों की हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्राइम कंट्रोल के ऊपर या एयर क्वालिटी इंडेक्स पे नहीं ठहर रहे, हम ट्रैफिक मैनेजमेंट पे ही नहीं ठहर रहे। हमारी फीड सिर्फ आपके कमरों तक महदूद या पुलिस के दफ्तरों तक महदूद नहीं हो रही। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर गवर्नेंस में अपना किरदार अदा करने जा रहे हो। ये है वो फ्यूचर जो कि आप लोगों का है। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज का कहना था कि मेरिट के मुताबिक टेस्ट और इंटरव्यूज में पास होने वाले अफसरान को ही प्रमोट किया गया। तरक्की पाने वाले अफसरान ने अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं किया। मुझे सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की दी गई है और इस तरक्की के साथ साथ मेरे कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी भी है, जिस पे मैंने अवाम की खिदमत एक बार फिर पूरी लगन से पूरे जोश के साथ करनी है। अब चूंकि मेरी प्रमोशन हो गई है तो अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद इंक्रीज हो गई है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अब बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, मजीद कोशिश के साथ अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करूं और अपने आप को और अपनी जो काबिलियत है उसको मैं मनवाऊँ। आई जी साहब के विजन के मुताबिक हमारी जो प्रमोशन का स्ट्रक्चर आगे परस्यू किया गया है, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं भी अब 6 सालों के बाद सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर अपॉइंटेड हो चुका हूँ। तो मेरी इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह कोशिश रही कि मैं अपने इदारे के लिए, कौमों मुल्क की तरक्की के लिए काम करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। अब क्योंकि प्रमोशन हो चुका है तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। हम उम्मीद करते हैं, दुआ है और इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की तरफ से मैं सबको ये इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी होगी। 15 की कॉल से लेके पुलिस की डिस्पैचिंग तक सब मामला जो हैं ऑन टाइम होंगे इंशाल्लाह। सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर की रैंक पे जो ये प्रमोशन है, ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है और मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने इदारे सेफ सिटी से और पंजाब पुलिस से कि मैं इसको राइटफुल प्रूव करूँगा। पंजाब पुलिस के टेक्नोलॉजी से लैस इस दस्ते ने शहरियों के तहफ्फुज़ और क्राइम कंट्रोल के लिए की गई अपनी मेहनत का सिला पाया। सेफ सिटीज के ये जवान मुस्तकबिल में भी इसी मेहनत और लगन से महफूज मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ उमर बख्त, सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नज़र नकवी की हिदायत पर अस्पतालों के कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का आगाज हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल में नस्ब कैमरों को पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से लिंक कर दिया गया। पहले मरहले में चिल्ड्रन अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को सेफ सिटी के साथ मुंसलिक किया गया है। सेफ सिटी की डिजिटल वॉल पर चिल्ड्रन अस्पताल के कैमरों की मॉनिटरिंग का अमल जारी है। कैमरों की इंटीग्रेशन से अस्पतालों से बच्चों के अगवा समय दिए गए जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पंजाब भर में 25 लाख प्राइवेट कैमरों की मैपिंग पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है। सरकारी और निजी कैमरों की सेफ सिटी से इंटीग्रेशन जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित होगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर ट्रैफिक पुलिस के दफातर की अपग्रेडेशन के लिए पुरअज़्म। आईजी पंजाब ने सीटीओ लाहौर अमारा अतर के हमला ट्रैफिक दफातर के अपग्रेडेशन प्लान बारे वीडियो पैगाम जारी कर दिया। ये क्या पैगाम है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने लगे कि ये जो एम्बियंस आपको नजर आ रही है, ये गार्डन टाउन का हमारा खिदमत मरकज भी है, ट्रैफिक लाइसेंस भी है, और इसी तरह लिबर्टी, इसी तरह वापडा टाउन, इसी तरह गुजरावाला, इसी तरह हमने कसूर और पिंडी का बड़ा लेटेस्ट बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे लोग आते हैं और लोग आके बैठते हैं इस एनवायरनमेंट में। हमारा क्या, हमारे जो हमारे वार्डन जहाँ पे काम करते हैं, नॉट इन खिदमत मरकज, जहाँ पे वो सारा बैक एंड पे काम कर रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे स्क्रीन के ऊपर आप? जी सर, बिल्कुल दिखाना चाहूँगी, क्योंकि सर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है हमारे वार्डन्स का, जिसमें वो काम कर रहे होते हैं, वो बहुत पुअर है। और हमारी पहले लेकिन कोशिश थी कि पहले हम अपने जो पब्लिक रिलेटेड ऑफिसेज हैं, जहाँ हमारी पब्लिक आती है। नहीं, ये पैसा गवर्नमेंट ने दिया आपको इस चीज के लिए? नहीं सर। ये पैसा कहाँ से आया? सर ट्रैफिक जनरेटेड अमाउंट है। ट्रैफिक जनरेटेड अमाउंट का क्या मतलब हुआ? सर हमारे पास जो लिफ्टर फंड है सर, लिफ्टर फंड जो गलत जगह पे पार्किंग करते हैं, जो आपके ड्राइविंग स्कूल्स हैं, जी सर, ठीक है, यानी जो हमारी अपनी सर्विसेज से जो पैसा आया वो हमने अपने दफातर पर नहीं लगाया। सीटीओ का दफ्तर भी बहुत सिंपल है, हमारे वार्डन्स के दफातर और ट्रैफिक सेक्टर्स बहुत सिंपल है, हमारे डीएसपी के दफ्तर पे हमने अभी तक इस साल के शुरू तक एक रुपया नहीं लगाया। सारा का सारा पैसा लगाया आप लोगों के लिए। ये एम्बियंस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप वाकई अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत वाले पाकिस्तान के अंदर हैं। हमने ये क्यों किया? ताकि पब्लिक की सर्विस दे सकें। और लेकिन अब हमने इरादा क्या किया है, इसको ठीक भी करना है कि नहीं? जी सर बिल्कुल करना है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अब ये सारे सेंटर्स बनाने के बाद सर अब हमारा प्लान है, हमारे सर 44 ऑफिसेज हैं सारे लाहौर के अंदर। लाहौर में 44 है आपके? जी सर, ट्रैफिक के। अच्छा। सर जिनको बहुत ज़्यादा रिपेयर की और मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और सर उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह सर आपको दिखाएंगे। लिहाजा उसकी क्या टाइमलाइन क्या है? सर टाइमलाइन उसकी है 15 जनवरी सर, और सर अभी हमारे बन रहे हैं, रेनोवेशंस हो रही हैं सर, वो जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं सर आपको इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे सर। डन। सो वी अश्योर यू के हमारे ट्रैफिक के दफातर भी उतने ही खूबसूरत होंगे जितने हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन। हमारा स्टाफ भी उतनी अच्छी जगह बैठेगा जो हमने, और SIPS यानी सिप्स के थाने फ्रंट एंड में लोगों के लिए खूबसूरत है, बैक एंड पे कॉन्स्टेबल्स की बैरक्स और अफसरों के दफ्तरों में हमने पैसा नहीं लगाया, हमने लोगों को पैसा लगा के दिया है। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट फैसिलिटीज दैट आर पॉसिबल। दुनिया में आपको कहीं ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, फिर आप ये कहेंगे ना कि अल्लाह ताला पंजाब पुलिस का और पाकिस्तान का हामी व नासिर। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मॉग रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानने के लिए ये रिपोर्ट। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 234, पंजाब यूनिवर्सिटी में 192 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 221 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का बाइस बन रही है, आप माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल पैरा होकर खुद को स्मोक के मुजर असरात से महफूज रख सकते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं, ताकि आप स्मोक के मुजर असरात से महफूज रह सकें। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी का छिड़काव करें ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। अपनी व्हीकल को चेक करें कि कहीं वो धुआं तो नहीं छोड़ी, और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं, ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। रावलपिंडी वॉक एंड पुलिस ने पुकार 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन पर बोगस कॉल करने वाली खातून गिरफ्तार कर ली।
मुलजमा ने इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके बताया कि उसकी भाभी को उसके घर वालों ने कत्ल कर दिया है। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस फोर्स मौका पर पहुंची, मगर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। पुलिस ने मुलजमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, बाखबर रहिए और देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।